हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का मौसम काफ़ी अच्छा है, एकदम बारिश के पहले जो मौसम होता है ना, ठंडा ठंडा वही मौसम है, बिल्कुल भी धूप नहीं है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमने सोचा आज एक व्लॉग बना लें। तो सबसे पहले हमें बहुत तेज़ भूख लगी है और बिल्कुल सिंपल खाने का मन है, क्योंकि अभी जो श्राद्ध चल रही है ना, तो आप लोगों को भी पता होगा श्राद्ध में क्या खाना होता है, पूड़ी, खीर, सब्जियाँ। और सब्जियाँ तो चेंज होती रहती है, मटर पनीर, मिक्स वेज, आलू छोले, लेकिन पूड़ी वही की वही रहेंगी, कोई रोटी नहीं बनाएगा, पूड़ी ही बनती है। तो डेली डेली पूड़ी खा के ना हम थक गए, एकदम हीक टाइप आ गई है, और डेली निमंत्रण आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जा रहे हैं, तो 5-6 दिन से ना लगातार पूड़ी ही पूड़ी खा रहे हैं। और हमें ना दाल रोटी खाने का मन है, और हम दाल रोटी ही खाते हैं, वही हमें पसंद भी है। तो आज हम कहीं नहीं जाएंगे, आज हम घर पे कुछ सिंपल सा बनाएंगे, मतलब जो हींग और जीरे का पोहा होता है ना, एकदम सिंपल मम्मी वाला, वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मम्मी को बोलते हैं, शायद वो बना दें, तो वही खाएंगे। चलो मम्मी से पूछते हैं। मम्मी, आप सिंपल पोहे बना दोगी? हाँ, बना देंगे, बस पूजा कर लें। ठीक है। तुलसी पत्र का प्रसाद जो कि हमें डेली मिलता है। तो जब तक मम्मी पोहे बनाती हैं, तब तक हम आपको बताते हैं एक इम्पोर्टेंट बात, आराम से बैठकर बताएंगे। तो सबसे पहले हम कैमरे को ट्राइपॉड पर सेट कर लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो ये हमारा कैमरा सेट हो गया, और अभी क्या हो रहा है ना, हमारा आपका इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है कि हमें टाइम ही नहीं मिलता किसी भी चीज़ के लिए, और इसके बीच ना बहुत सारे चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं। और हमें क्या लगता है, ऑलवेज़ कैसी भी सिचुएशन हो, हम अपना बेस्ट फील करें और हमारा लुक भी बेस्ट हो, इससे क्या होता है, हमें अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। और इसके लिए ना बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा। लेकिन जैसे हमें कहीं बाहर जाना है और बहुत कम टाइम है, और हमें अपनी स्किन ग्लोइंग एंड रेडिएंट चाहिए, तो इसके लिए ना हमारे पास एक प्रोडक्ट है, ममार्थ का विटामिन सी डेली ग्लो फेस क्रीम। इसको हमें यूज़ किया और हमें बहुत अच्छा लगा। और जैसे हमें कहीं अचानक से सडनली जाना है, मौका फंस गया है कि जाना ही है, तो उसके लिए हमें रेडी कर देता है बहुत ही कम टाइम में। तो ये ममार्थ का जो विटामिन सी डेली ग्लो फेस क्रीम है, इसमें जो इन्ग्रीडियंट्स हैं वो है विटामिन सी एंड टर्मरिक। तो इसके फ़ायदे तो आप सभी लोग जानती हो, इसमें जो विटामिन सी है वो हमारी स्किन को एलिमिनेट्स करता है, और साथ साथ में जो कोलेजन प्रोडक्शन होता है उसको भी बूस्ट करता है, एंड जो भी पिगमेंटेशन होता है हमारे स्किन पर उसको रिड्यूस करता है। और जो टर्मरिक है वो हमारी स्किन को सन डैमेज से भी बचाता है, और हमें मतलब हमारी स्किन को लॉन्ग लास्टिंग ग्लो देता है। सो इट्स टाइम टू गेट द कॉन्फिडेंस टू ग्लो इन एवरी मोमेंट विद विटामिन सी डेली ग्लो फेस क्रीम। और ये सिर्फ शॉर्ट पीरियड्स के लिए नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म के लिए है, हमारे स्किन को एक अच्छा ग्लो देगा। और इसमें लाइट वेट और मॉइस्चराइजिंग फार्मूला है जो हमारी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, मतलब कि मॉइस्चर हमारी स्किन के अंदर लॉक करके रखता है, और वो मॉइस्चर हमारी स्किन को रेडिएंट फ्रेश ग्लो देता है। और आप इसको डेली यूज़ भी कर सकते हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट हार्मफुल केमिकल फ्री एंड टॉक्सिन्स फ्री होते हैं, और इसके अंदर बाकी जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं ना, ये आपको धूप से भी बचाएंगे। सो इट्स टाइम टू से चैलेंज एक्सेप्टेड विथ ममार्थ विटामिन सी डेली ग्लो फेस क्रीम। और अगर आप ये प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं और आपको ये पसंद आए हों, तो इनकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट आपको अमेजॉन, नायका, पर्पल, फ्लिपकार्ट और ममार्थ की ऑफिशियल वेबसाइट और एप्लीकेशन पर भी मिल जाएंगे। आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ करना बिल्कुल ना भूलें, SHAL 2022, आपको 20% तक ऑफ रहेगा। और ये कोड आप सिर्फ ममार्थ की ऑफिशियल वेबसाइट और एप्लीकेशन पर ही यूज़ कर सकते हैं। और हम जब भी कुछ भी बाय करते हैं फ्रॉम ममार्थ, तो ये लोग एक ट्री प्लांट कर देते हैं और उसको लिंक कर देते हैं हमारे प्रोडक्ट के साथ। और 2025 तक ममार्थ इस पहल के तहत 1 मिलियन पेड़ लगाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। और ममार्थ प्लास्टिक पॉजिटिव भी है, जितना यूज करते हैं उससे कई ज़्यादा प्लास्टिक का रिसाइकलिंग करते हैं, और अब हर महीने 240 एमटी से अधिक प्लास्टिक का रिसाइकलिंग करते हैं। और अब ना हमें बहुत तेज भूख लगी है जो कि कंट्रोल से बाहर है, तो चलो देखते हैं पोहे कहाँ तक पहुँचे। तो ये देखो मम्मी के पोहे बन के हो गए हैं रेडी, मतलब रेडी नहीं हुए, बन रहे हैं ना मम्मी? बन रहे हैं, अभी तो टाइम है। कितना टाइम है? थोड़ा सा, 5 मिनट। चलो ठीक है, तो वेट करते हैं एकदम गरम गरम पोहे का। तो ये देखो हमारे सिंपल पोहे हरी मिर्ची, हींग और जीरे के रेडी हैं, तो जल्दी से हम इनको खाते हैं। लो रबड़ी, और ये मम्मी ने दूध की रबड़ी भी बना दी है साथ में।
तो अब तो बहुत मजा आ जाना है, तो जल्दी से इनको हम फिनिश करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो अभी जस्ट हम उठे हैं सोकर, क्योंकि पोहा खाने के बाद हमने सोचा था कहीं बाहर जाएंगे घूमेंगे, लेकिन उसके बाद तुरंत बारिश आ गई थी और पूरे 2 घंटे हुई, और जो हमने प्लान किया था उस पर फिर गया पानी। तो फिर हमने सोचा सो ही जाते हैं, बाद में देखते हैं। और अभी भी हल्की हल्की आ रही है, फुसल टाइप आ रही है, लेकिन हम फिर भी जाएंगे। और स्टार्टिंग में जैसे हमने सुबह आपको बताया था ना कि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन ये बताना भूल गए थे कि यहाँ जब चाहे बारिश आ जाती है, कोई फिक्स नहीं है, कोई टाइम नहीं है। मुँह उठाया और आ गई, और हम ना बारिश से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। इतना गुस्सा आता है ना कि ऐसे नहीं होता, कभी भी आ जानी है इसको। तो अभी भी कोई भरोसा नहीं है, तेज़ भी आ सकती है, अभी हल्की है, लेकिन सुबह नहीं जा पाए तो अभी जाते हैं और चलते हैं। तो अभी जस्ट हम आ चुके हैं इंदिरा पार्क के अंदर, और खुशबू हम दोनों गए हुए हैं। हाँ, तो हम दोनों ही आए हैं। बाकी नायक की तबीयत खराब है और राधे सो रहा था, तो दोनों नहीं आए। तो हम भी बहुत लेट हो रहे थे, इन्होंने भी बहुत लेट कर दिया, बिल्कुल शाम हो गई है। मतलब सबने ठान ही ली है कि इनका काम कंप्लीट नहीं कराना है। सुबह बारिश हुई, अभी शाम के 5:23 हो रहे हैं। ओ, 23 मिनट हो गए। हाँ। हम लोग बहुत मतलब 5 बजे का सोचा था कि निकल जाएंगे, लेकिन मतलब निकलते बहुत लेट हो गए हैं। तो अब भी देखो क्या करते हैं बता, आपको दिखाते हैं इंदिरा पार्क हमारे यहाँ का। इंदिरा गांधी तो है नहीं, ये समय नहीं मानता। अंदर आए और यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी है, जो देख के ना हमें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, पर हम सोच रहे हैं आपको भी दिखाई देते हैं। यहाँ पे ये बंदर डला है, और हमें ये लग रहा है कि ना काट ना ले, हमें बहुत डर लगता है बंदर से। और इसको देख के हमें ये लग रहा है कि उठ ना जाए, बट इसकी कंडीशन देखो कैसी हो गई है। हमने इसको देखा और देख के ना बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है हमें, क्योंकि हम ना ऐसे जानवर को देखते हैं ना मतलब मरा हुआ, तो बहुत बुरा फील होता है। आप लोगों को भी होता होगा। तो अभी ना हमारा कुछ करने का मूड ही नहीं कर रहा है कि क्या करें। तो यहाँ पे ना रिसक पट्टी है, उस पर चलते हैं थोड़ा। तो ये है तो सही, लेकिन यहाँ पे देखो ये पानी से ना बिल्कुल ख़राब जगह हो रखी है, तो यहाँ पे आएंगे और भीग जाएंगे। ये हम रिक्स ले रहे हैं पानी वाली, और देखते हैं क्या होता है। इसके ऊपर तो हम जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा मूड सही करना है हमें अपना, बट हमें ना ये बहुत ज़्यादा रिक्स ही लग रहा है इस पर चढ़ना और मोबाइल के साथ। तो देखते हैं क्या होता है, बाकी हम बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, और ऊपर जाके हमें लग रहा है कि हम ना इससे वो नहीं रिस्केंगे नहीं, क्योंकि डर हमें बहुत ज़्यादा लग रहा है। बाकी हम ट्राई करते हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा गंदा है, तो हम ट्राई नहीं कर रहे हैं। तो हमने फाइनली यहाँ के गिव अप कर दिया है, ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, तो हम इसको ट्राई नहीं करेंगे, और हम जैसे आए थे वैसे ही रास्ते से नीचे चले जाएंगे। हे भगवान, हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं, और यहाँ से उतरना हमारे लिए बहुत ज़्यादा बिल्कुल हमारे पीछे ही है, और हम उससे नहीं रिस्क तो ये भी नहीं रिसक रही है, ये भी नहीं रिसक रही है, क्योंकि यहाँ से उतरने में ना बैंड बज रही है। लेकिन फाइनली हम नीचे आ गए हैं, और अब हम जाएंगे कहीं और, तो कुछ और देखते हैं, उस साइड चलते हैं, ठीक है। ये वाली एकदम साफ लग रही है, तो इससे हम रिसक सकते हैं। ओ, खुशबू मैचिंग का टॉप पहन के आई है इस रिसक पट्टी के, मतलब तो खुशबू इस पर रिसक के बताएगी। चलो खुशबू फटाफट, हाँ तो ये भी आलू है, चलो चलो फटाफट चलो चलो चलो, तो खुशबू जाएगी और रिसकेगी। खुशबू जल्दी फटाफट करके दिखा दो यार, ये करके दिखाओ। हाँ हाँ हाँ, जाओ कुछ नहीं होगा, तुम पहुँचो फटाफट। हाँ हम बनाएंगे, हाँ खुशबू तुम कर सकती हो, खुशबू तुम कर सकती हो, खुशबू कर सकती हो तुम, हाँ हाँ करो करो तुम कर सकती हो। खुशबू कछु नहीं हुई है, आओ तो आओ, हम पकड़ ले रहे, आओ यार तुम कर ले, यार तुम नहीं करो तो कौन करे। खुशबू हाँ उतार दो, तुम नहीं करो तो कौन करे, तुम ही कर सकत और कोई नहीं कर सकत। हाँ हाँ खुशबू, 1 2 पकड़ के ना इनकी जान पकड़ ले हम, लाओ लाओ लाओ। ये वीडियो बन रही क्या, वीडियो बन बजा आएगा ना, 1 2 3
दिखावा 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 कहीं की नहीं मारो तब बहुत बढ़िया देखो कपड़े भी गंदे हो गए कुछ कुछ की हालत देखो पूरी हालत खराब हो गई पूरी लिपट गई और रात भर निकाह करवा देखो हमारी ना इतनी हजियारी मोबाइल से ले लो अपनो गंदे हाथ हैं चलो उसके ना हैंड वॉश कराते हैं पानी की व्यवस्था करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं A few moments later. क्या देखो इस लड़की को पहले तीन बजे तक पट्टी पे चढ़ाया जबरदस्ती ने हमें वहाँ पे खिसकाया और अब क्या कह रही हैंड वॉश हो गए तो इससे पहुँच लो इससे मतलब बाल्टी इसको गंदा कर दो जी नहीं ब्लैक से पहुँच लो गंदा हो जाएगा तो दिखेगा भी नहीं साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे मतलब हम भी अपने हाथ पर मिटाना है हाँ ये भगवान भलाई का जमाना ही नहीं है बिल्कुल हमारे ला दिया तो भलाई को जो बताओ इनसे जब पूछो कि हमारे ला दिया तो भलाई को जो हम गिरी थी तब इनने हमसे कह चुकाई थी कि नहीं गिर जाओ लग जाओ मान जाओ यार ऐसे मत करो जो वो कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम नहीं जाओ कोई बात नहीं भैया अगर तुम अगर टूट जाओ मतलब फूट जाओ तो हमारी स्कूटी से हमें घर खोल ओ भगवान देख लो इनकी मतलब ना इनको इससे का डर है कि हम घर कैसे जाएं इसका डर नहीं है कि हमारे हाथ पैर मिटेंगे है ना तो यहाँ पे हमें दिख गया है झूला और साबुन का झूला इस पे भी खुशबू बैठेगी खुशबू बैठ के दिखाओ खुशबू तुम कर सकती हो तुम कर सकती हो खुशबू तुम बैठ जाओ हाँ खुशबू ये गीला है बिठा दो तुम तो गीले और इस पे खुशबू बैठेगी और हाँ खुशबू झूल के बताओ हाँ लहरा के तो देखो एक शरारा A few moments later. तो अभी हम एंड ही कर देते हैं और आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में और अभी यहाँ के ना हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हम करें तो करें क्या आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर